टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन की एक फैसिलिटी यहाँ पर एक्वायर करने वाला है, और अगर ये चीज होती है तो टाटा पहली इंडियन कंपनी बनेगी जो यहाँ पे इंडिया में आईफोन की असेंबली करेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी कंपनीज ने आईफोन को इंडिया में बनाया ना, सबकी सब बाहर की थी। और इसी के साथ ही टाटा यहाँ पे रुकने नहीं वाली, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लान है अब यहाँ पे आने वाले समय में चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी उतरना। यानी कि एक जमाने में जहाँ पे हमें पहले असेंबल्ड इन इंडिया प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे ना, अब वही चीजें धीरे धीरे मेड इन इंडिया हो रही है कम्प्लीटली। यानी कि आईफोन की बात करूँ या चिप्स की बात करूँ, असेंबलिंग से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें रियलिटी को देखना पड़ेगा। जैसे कि एप्पल की बात करें तो 5-7% जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं वही अभी इंडिया में बनते हैं, और आने वाले समय में ये चीज 25% तक हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में चाइना में आज भी 90% आईफोन्स यहाँ पे अभी भी बनते हैं। और वही बात करूँ मैं ग्लोबली स्मार्टफोन मार्केट की, तो ग्लोबली स्मार्टफोन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन 16% है, लेकिन वही चाइना अभी भी आगे है 70%। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे हैं। इवन खुद जो फॉक्सकॉन है उसने भी इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन भी हाई कर दिया है। अब बात चल रही है जो नए आईफोन होंगे, जैसे कि आईफोन 15 होगा, उसका भी डे वन पर जो प्रोडक्शन होता है वो भी आपको इंडिया से देखने को मिले। जितनी भी चाइनीज कंपनीज थी उन्होंने भी इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप किया है, और सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे सैमसंग ने किया था, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली फैक्ट्री को उसने इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया था। लेकिन ऐसा हर कंपनी ने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि इंडिया के अंदर रूल है कि अगर आप बाहर से कोई भी फोन को इम्पोर्ट करके लाओगे तो आपको उस पे ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिस कारण से फोन की कीमतें ज्यादा हो जाती। लेकिन आप इंडिया में बनाओगे तो आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे, और इसीलिए सभी कंपनीज ने इंडिया के अंदर अपने मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू करी थी। लेकिन हमें पता है कि शुरुआत में चीजें असेंबलिंग होती थी, और शुरुआत में जो मेजोरिटी कंपोनेंट्स थे वो आपके बनते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें बदल गई। अभी के समय बात की जाए तो जितने भी मदरबोर्ड बनते वो सबके सब इंडिया के अंदर बनते, यानी कि अंदर लगने वाला प्रोसेसर तो बाहर से आ रहा है लेकिन जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे बन रहा है। इसके साथ ही डिस्प्ले यूनिट्स को यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, आगे की तरफ जो प्रोटेक्शन में ग्लास यूज होता है वो भी, यहाँ तक की बात करें मोबाइल फोन के चार्जर एक्सेसरीज की भी। बेसिकली देखा तो जहाँ पे असेंबलिंग होती थी ना, अब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ गए, यानी कि मोबाइल फोन की असेंबलिंग तो होती है लेकिन उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स लगते हैं ना वो भी लोकली या इंडिया से ही सोर्स किए जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा कि पहले जो मोबाइल फोन हम ज्यादा इम्पोर्ट किया करते थे, अब हमने बाहर से होने वाले इम्पोर्ट को कम कर दिया है, और आज के समय में जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर मोबाइल फोन का वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। हालांकि एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है, जो बाहर अभी एक्सपोर्ट होता है ना उसके अंदर जो मेजोरिटी जो फोन जो एक्सपोर्ट में होते हैं वो होते लगभग 10,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, यानी कि हम बजट फोन को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। प्रीमियम में बात करें तो यहाँ पे आईफोन ही है जो यहाँ पे अपने एक्सपेंसिव मॉडल्स को बाहर यहाँ पे शिप करता है। लेकिन एक सवाल आता है कि अभी चलो मान लो इन्होंने लोकली प्रोडक्ट्स को सोर्स कर लिया, लेकिन अभी भी जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी तो अभी बाहर से आते हैं। जैसे कि इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, और जो प्रोसेसर जो चिप्स इतनी मेजर चीजें वो अब इंडिया में कैसे आएंगी। फॉक्सकॉन और जो वेदांता है ना उनके बीच में जो डील है वो ऑफ हो गई है, जिस कारण से इंडिया में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अब ये पता चलता है जो फॉक्सकॉन है वो भी यहाँ पे चिप मेकिंग पार्टनर को ढूंढ रहा है, जैसे कि ताइवान की TSMC हो गई या फिर जापान का TMH ग्रुप हो गया, जिनके पास स्पेशलिटीज है चिप बनाने की। क्योंकि बात करें फॉक्सकॉन के पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उसकी स्पेशलिटीज है, और चिप बनाने की स्पेशलिटी TSMC जैसी कंपनी के पास है, और ये लोग अगर कंबाइंड होकर अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो चिप मैन्युफैक्चर में एक और एडवांसमेंट आया, माइक्रोन कंपनी यहाँ पे इंडिया में अपनी असेंबलिंग यूनिट की शुरुआत करने वाली है जो नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे शुरू होगी, और अगले साल यानी कि 2024 के एंड तक आपको यहाँ पे चिप्स निकाल कर देगी। लेकिन बात एक ही, जो यूनिट यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं ना ये होगी असेंबलिंग पैकेजिंग और टेस्टिंग की, बेसिकली फाउंड्री और फैब्स को सेटअप नहीं किया जा रहा है। देखो सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये कि जो सेमीकंडक्टर की फैब्स होती है ना वहां से आपको सिलिकॉन वेफर्स देखने को मिलते हैं, और उन सिलिकॉन वेफर्स को चिप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है सिलिकॉन वेफर से चिप के अंदर का, ये प्रोसेस अभी इंडिया में शुरू हुआ है। लेकिन जो ग्राउंड अप से जो हम पूरा सिलिकॉन वेफर बनाते हैं, पूरा प्रोसेसर बनाते हैं, वो चीज अभी भी शुरू नहीं हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कि आप खुद देखिए कि पहले बिल्कुल भी मोबाइल फोन्स नहीं बनते थे, फिर धीरे धीरे असेंबलिंग शुरू हुई तो यहाँ पे कुछ चीजें बनने लगी। अब आने वाले समय में अगर ये चीज भी यहाँ पे शुरू होती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में पूरी की पूरी चिप्स भी बनने लगेंगी, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट से तो शुरुआत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे अगर ये चिप्स भी अगर इंडिया में बनने लगेंगे तो काफी अच्छी चीज है। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, जो चिप्स बनेंगी ना ये DRAM और NAND वाली होंगी, जो कि आपके मेमोरी डिवाइसेस होते हैं ना वहां पे इनका यूज किया जाएगा, और 40 नैनोमीटर से इनकी शुरुआत की जाएगी। अभी भी इंडिया के अंदर जो एडवांस लेवल की चिप्स है वो नहीं बनाई जाएंगी। अब कई सारे लोगों का सवाल आता है कि दुनिया 3 nm 4 nm पे पहुंच गई,
गई है, लेकिन अभी भी हम 40 नैनोमीटर की चिप क्यों बनाएंगे? इसका पीछे का रीजन ये कि अभी भी जो पुरानी चिप्स होती है उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होता है, यानी कि बिल्कुल ही एडवांस चिप की जरूरत आपको हर जगह नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे पुराने डिजाइन की चिप्स का यूज अभी भी होता है, वहाँ पे बिल्कुल ही एडवांस लेवल की चिप्स की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइप की चिप्स नहीं बन रही तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में नहीं बन सकती, ये चीज फ्यूचर में भी पॉसिबल हो सकती है। और देख के काफी अच्छा लगता है कि आज के समय में मोबाइल फोन के कोर कंपोनेंट्स भी इंडिया में बन रहे हैं। और ऐसे ही देखा है तो सिर्फ मोबाइल फोन तो एक चीज लिमिटेड नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे मेजर कंपोनेंट होता है उसके सेल। और क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में अब इलेक्ट्रिक सेल बनना भी शुरू हो चुके हैं? लॉग 9 नाम की कंपनी जिसने इंडिया में अपनी खुद की सेल यहाँ पे मैन्युफैक्चर यहाँ पे कर रही है, जिसका यूज 2-व्हीलर और 3-व्हीलर में किया जाएगा। और इसके साथ ही इंडिया में गीगा फैक्ट्रीज के ऊपर भी काम हो रहा है। ये जो सेल्स यहाँ पर बनेंगे ना, एनर्जी स्टोर करने के अंदर भी इसका काफी ज्यादा काम किया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है। फाइनली अगर आप पूरी जर्नी देखेंगे ना, कि जहां पहले कभी स्मार्टफोन्स नहीं बनते थे, फिर यहाँ पे इंडिया में असेंबलिंग शुरू हुई, एटलीस्ट कुछ काम होना शुरू हुआ, अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ रहे हैं। और देख के काफी अच्छा लग रहा है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। और ये भी देख के अच्छा लगता है कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल और टेस्ला इंडिया को फोकस करें कैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाए। यानी कि एप्पल का मेड इन इंडिया आईफोन था बनी गया है, लेकिन टेस्ला जैसी कंपनी भी इस बारे में सोच रही है कि कैसे मेड इन इंडिया टेस्ला कार को भी बनाया जाए। और ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मेड इन इंडिया होती है। बाय द वे, इस बारे में आप लोग के ओपिनियन है, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।